जी हाँ, खंडवा में पहली बार द सिंगापुर सिटी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मध्य प्रदेश के खंडवा कलेक्ट्रेट में आज जनसुनवाई में भारी भीड़ रही। अलग अलग गांव के अलग अलग लोग शिकायत लेकर पहुंचे। आइए गांव की शिकायत आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से लोग प्रताड़ित हैं। लेकिन संबंध में हमने तहसीलदार और थाना प्रभारी जावर शिवराम जाट से बात की। उन्होंने बताया कि ये एक शासकीय भूमि के विवाद का मामला है और वह थाना प्रभारी शिवराम जाट की बात करें तो वह तहसीलदार को पत्र लिख चुके हैं। तहसीलदार का कहना है कि वह मौके पर जाकर मुआयना करेंगे और अगर शासकीय भूमि है तो उस पर से अतिक्रमण हटाकर शासकीय कब्जा करेंगे। हालांकि इस संबंध में जो लोग शिकायत लेकर पहुंचे थे उनका ये कहना था कि 50 साल से वह वहां रहवासी हैं और उन्हें ज़मीन से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। गाँव के ही 6 दबंग हैं जो लगातार अलग अलग तरीके से उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं और 181 सहित थानों में शिकायत करके उन्हें प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। इस तरह की शिकायतें जो लोग शिकायत लेकर पहुंचे थे उन्होंने बताई। आपको यह भी बता दें कि दूसरे पक्ष का ये कहना है कि इन लोगों ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है और इस बात को लेकर जब वह विरोध दर्ज कराते हैं तो यह लोग उनकी भी शिकायतें करते हैं। कुल मिलाकर इस मामले में प्रशासन का कहना है कि शासकीय ज़मीन पर कब्जे का यह पूरा मामला है। लेकिन जो लोग फरियाद लेकर पहुंचे थे उनकी पूरी बात आपको सुनवाते हैं। तो कहाँ से आए हो, क्या परेशानी लेकर आए हो? हम ग्राम सुंदरबेल से आए हैं। एक मिनट, हम ग्राम सुंदरबेल से आए हैं, बड़गांव वाली पंचायत लगती है। मेरा नाम शंकर सिंह सोलंकी है। मैं मेरे पूरे गांव के साथ आया हूँ। पूरा गांव इन 6 लोगों से त्रस्त और बहुत परेशान है। ये 6 लोग बाहर रहते हैं और सर्विसों में होने के कारण धन धान्य से पैसे वैसे से परिपूर्ण नहीं ये लोग। ये लोग गाँव वालों की झूठी शिकायतें झूठे एविडेंस तैयार करके और थाने में करते हैं और उनके केसों को कोर्ट पहुंचा देते हैं या तहसील में पहुंचाते हैं। इससे किसान बार बार परेशान होता है। और जब जावर थाने वाले को हमने ये बात बताई कि ये ऐसा करते हैं, परेशान करते हैं और फ्रॉड लोग हैं, पहले से आपराधिक प्रवृत्ति के मामले इन पर दर्ज हैं बहुत सारे, दहेज प्रथा के और भी अन्य, तो उनका कहना है कि भैया आगे से प्रेशर आता है तो बोले हमको झूठी कार्रवाई भी करना पड़ती है। तो झूठी कार्रवाई में किसान को अच्छा ये बताओ कितने लोगों की जमीन है इन्होंने हड़प लिया आज तक? इन्होंने अभी तक 4 किसानों की 1 एकड़ जमीन, इनकी जमीन के आइट साइड वालों की हड़प ली। कौन कौन है वो 4 किसान दिखाओ? 4 किसान, 4 कौन है जिनकी जमीन है हड़प ली? आप हैं जी? आपकी जमीन हड़प ली कितनी? मैंने पेड़ लगाए थे, पेड़ों को खोद के फेंक दिया, सीधी मेड़ कर दी। उनकी जमीन आसपास और आपकी जमीन के पास है? कितनी एकड़ जमीन है उनकी? उनकी 5 एकड़ थी तो उन्होंने बढ़ा ली है। अच्छा, बढ़ा ली है। टोटल जो 6 लोगों पे आरोप लगा रहे हो, क्या वो सबकी वही 5 एकड़ है या सबकी 5-5 एकड़ है? सबकी मिला के है? सब भाई है क्या? वो परिवार, एक ही कुटुंब के लोग हैं। अच्छा, कितनी आपकी कितनी जमीन डेसिमल या एकड़ कितनी? कितनी आपकी कितनी? 25 डेसिमल। दूसरा व्यक्ति कौन है जिसकी जमीन हड़पी है? कौन है? कौन है? आप हैं? आओ दीदी, आओ जरा बताओ। हाँ, आपकी कितनी जमीन हड़प ली उन्होंने? 25 मेड़ उनपे से लड़ाई करती है। मेड़ पे से लड़ाई करते हैं या जमीन हड़प ली? मेड़ पे से आपकी लड़ाई करते हैं या जमीन हड़पी है ये बताएं। जमीन थोड़ी सी 25 डिसमिल वो इधर ले ली उन्होंने, 25 डिसमिल। ठीक है, क्या नाम है आपका? प्रेम लता। आपका क्या नाम भैया? परवीन। और आपका क्या नाम है? आपकी कितनी जमीन हड़पी है? शंकर सोलंकी। मेरी जमीन पे तो वो कब्जा करना चाह रहे हैं लेकिन हमने अभी तक करने नहीं दिया। नहीं, तो आप बोल रहे थे कि वो शिकायतें करते हैं, किस तरह की शिकायतें करते हैं वो? वो गांव को जेल करवाने की सोच? नहीं, कैसे, किस तरह की शिकायतें करते हैं तो बताओ। चोरी का इल्जाम लगाएंगे। अच्छा, चोरी का इल्जाम लगा देंगे, मारपीट का। ये सब पीड़ित लोग हैं क्या आपके गाँव के? आप भी दादा पीड़ित हैं? आप भी पीड़ित हैं दादा? आप भी? आप किस तरह की मतलब शिकायतें करते हैं वो? झूठी शिकायतें करते हैं। अच्छा, झूठी शिकायतें। परिवार है हमारा पर वो बाहर रहते हैं और हमारे लेडीज़ वो तो आए दिन शिकायत कर लेडीज़ को। मतलब कुल मिला के आतंक शिकायती हैं, शिकायतें करके आप सबको प्रताड़ित करते हैं और पुलिस भी जो उनकी शिकायतों पर बार बार कार्रवाई कर देती है। थावर थाना कौन सा लगता है? जावर थाना। आपका गाँव कौन सा है? सुंदरबेल। और ये कौन कौन लोग हैं, इनके नाम बताओ जरा एक बार। ये सरदार सिंह, हाँ, कुसुम भाई, हाँ, इसका लड़का जयपाल सिंह, हाँ, इसकी लड़की माया भाई, हाँ, उसका पुत्र कृष्णा,
हाँ। और इसका भाई विजय सिंह जो वहाँ MLC रिपोर्टें तैयार करता है, इनकी झूठे केसों में। अच्छा, ये जो 6 लोग हैं सरकारी नौकरी में हैं, कौन से विभाग में हैं? सरदार दादा रेलवे में है। अच्छा, और उसका लड़का बोलता मैं इंस्पेक्टर हूँ, इसलिए पूरा गांव डरो। कौन से गांव में इंस्पेक्टर, कौन सी जगह पे इंस्पेक्टर है? काय का? पुलिस विभाग में? जी, पुलिस विभाग का बोलता है। अब वो क्या है ये किसी को जानकारी नहीं है। अच्छा, मतलब दादागिरी करके आपकी जमीनें लेते जा रहे हैं। ऐसे कितने पीड़ित लोग हैं जो आए हैं आप? टोटल कितने पीड़ित हैं? पूरा गाँव पीड़ित है। क्या चाहते हैं अभी ये बताएं आप? हम चाहते हैं कि उनकी सभी रिपोर्टों की जांच की जाए। कितनी शिकायतें करी होंगी उन्होंने अभी तक? उन्होंने कम से कम 50 से 100 शिकायतें करी। सब अलग अलग लोगों की या अलग अलग लोग? सब अलग अलग लोगों की। अच्छा, इसके बच्चे बाहर रहते हैं और जो बच्चे बाहर जो कभी ना डाला। अच्छा, कार्रवाई की जाए। मतलब 181 में कंप्लेंट करते हैं? 181 में कंप्लेंट। अच्छा 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 अच्छा, तो आप लोग शिकायतें नहीं करते उनकी? पुलिस वाले चावर की सुनवाई नहीं होती। कौन बोलता है जावर की पुलिस खरीदी? बोलती है कुसुम भाई, सुनवाई नहीं होती। हमारी सुनवाई नहीं होती और जावर की पुलिस बोले मेरी खरीदी हो तो क्या कर सकते हो बोले। नहीं, ये तो वो बोलती है, पुलिस वाले क्या बोलते हैं? पुलिस वाले हमारे को सुनवाई नहीं करते, पुलिस वाले सुनवाई नहीं करते। तो आप थाने जाओगे, मतलब बुलाए चले जाओगे? हाँ, जाते हैं, जाते हैं, पर सुनवाई नहीं करते वो लोग। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चों। आपका क्या नाम है? रामकुमार सोलंकी। अच्छा, आपका? ज्योति सोलंकी। आपका? प्रेमलता। हाँ, तीन महिलाओं पे एक झूठा केस कोर्ट में भी उन्होंने लगा दिया। कोर्ट में लगा दिया जी, बाहर से एविडेंस तैयार कर। क्या एविडेंस तैयार करते हैं वो? उसका भाई स्वास्थ्य विभाग में जावर में है। हाँ, तो क्या नाम है? नहीं, झगड़ा हुआ तब। क्या नाम है उसका? विजय सिंह। विजय सिंह। विजय सिंह। अच्छा, मतलब स्वास्थ्य विभाग में तो क्या करता है वो? वो रिपोर्ट तैयार करता है। MLC तैयार करता है, फर्जी? फर्जी। अच्छा, क्या नाम बताया? विजय सिंह। विजय सिंह। सब उनके कुनबे वाले हैं वो? तीन सीधी सादी महिलाओं को कोर्ट में एक केस उन्होंने लगा दिया। अच्छा, महिलाओं जबकि एक खंडवा रहती है, एक का ऑपरेशन हुआ। आपने हाथ तोड़ दिया एक का? अच्छा, तैयार करके लगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। बताएं दीदी, किस तरह की समस्या लेकर आए हैं, कहाँ से आए हैं, कौन सा गांव है, कौन सी जनपद है और क्या है पूरा मामला? बलवाड़ा से आए हैं, जनपद बलवाड़ा अंधाना। ठीक है, वहाँ सूरज भाई जो है ना सरपंच, उनके पति मतलब दादागिरी करते हैं। अच्छा, वो बिल्डिंग आई है जो हमारे वहाँ। कौन सी बिल्डिंग? 20 लाख की पंचायत भवन आया है। ठीक है, कोई प्रस्ताव लिया नहीं, कोई मीटिंग ली, मासिक मीटिंग भी नहीं लेते, कुछ नहीं। और हम बोलते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारा कोई अधिकार है। तो आप पंच हैं क्या? उप सरपंच। अच्छा, आप उप सरपंच हैं। ठीक है, ठीक है, बताएं आगे पूरी पूरी बात बताएं, किस तरह की वहाँ पे वो गड़बड़ जाला हो रहा है? हाँ, वहाँ पे ऊपर से ही जाली मतलब बिछा दी गई है भवन की, कुछ काम अच्छे से हो नहीं रहा है। गड्ढे भी ऐसे ही छोटे छोटे गड्ढे, वो हाथ से सरिया खींचा तो आ जाता है ऊपर। अच्छा, मतलब कुल मिला के वो हल्के उसकी बन रही है मेटेरियल, हल्की क्वालिटी की बन रही है। ठीक, क्या चाहते हैं आप? अच्छा काम हो सर वहाँ। अच्छा काम? हाँ, और सरपंच जो भी करवाए वो पाई करवाए, वो उसका पति दादागिरी करता है, बोलता है कि कोई बोल नहीं सकता है। क्या नाम बताया आपने उनका, सरपंच का? सूरज भाई, उसके पति का नाम प्रकाश। अच्छा, ठीक है, क्या चाहते हैं आप? कि सबकी मिल के चले, सबका सुने, पंच का। आप में से पंच भी है कोई? हाँ, आप पंच हैं, आप भी पंच हैं, आप सभी पंच हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मासिक मीटिंग रखे, प्रस्ताव रखे, जब कोई भी काम चालू करे सर। क्या नाम है आपका? सुधा यादव। सुधा यादव। सुधा यादव, ठीक है। चले क्या आए हो, कौन से विभाग के कर्मचारी हो? हम शहरी आशा कार्यकर्ता है, ग्रामीण आशा कार्यकर्ता साथ में हमारे। हाँ। आशा संगठन के माध्यम से आज हम यहाँ पे जन सुनवाई में अपनी कुछ मांगों को लेकर आए हैं, जो कि पूरे राज्य स्तर पे हम 10,000 की मांग करते हैं नियमितीकरण और 10,000 रुपए वेतन की। अच्छा। इसके साथ ही साथ हम जिले स्तर पे भी जो भुगतान पत्रक जमा करते हैं, चूँकि हम मानदेय के बल पर हैं तो प्रतिमाह जो भुगतान पत्रक देते हैं वो प्रमाणित रहते हैं, वो उसके साथ में संबंधित डॉक्यूमेंट भी लगाते हैं। लेकिन प्राय प्राय हमेशा प्रतिमा होता है कि किसी न किसी चीज़ों का बजट नहीं आता है या कुछ और समस्या होती है, हेड नहीं खुलते अन्य, तो हमारे भुगतान समय पर और सही राशि का नहीं हो पाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी समस्या को सुलझाया जाए, क्योंकि 70% आशाएं अपने परिवार को इसी से चला रही है और भविष्य में भी अगर हम उम्मीद करेंगे तो हम अपने वेतन सही करेंगे। तो नियमित तो नहीं है, लेकिन जो मानदेय हमको मिल रहा है वो समय पे और सही मिल रहा है। ठीक,
क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता वर्मा है, मैं संगठन में उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। जल्द ही अपने शहर में होगी ए क्लास लेवल की कॉलोनी द सिंगापुर सिटी, जिसमें होगी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक फिटिंग, हाईली एडवांस्ड सीसीटीवी, साइबर सिक्योरिटी, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस विद 3-स्टार रेटिंग, रेस्ट रूम, बैंक्वेट हॉल और भी कई एडवांस फीचर्स। पता हरसूद रोड श्याम रिजॉर्ट के पास, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827314401।